हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन के 27 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे और आगे आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं वो 27 के आगे करना है। और फ्रेंड, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप लोग उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अपलोडेड लेक्चर्स मिलते रहें। और फ्रेंड, यहाँ पे जो भी मेरा चैनल है उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैं अपने चैनल पे TGT PGT के जो भी ऑल ओवर इंडिया के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, चाहे वो KVS हो, NVS हो, UP का TGT हो, ओके। और जो भी TGT साइंस है, जैसे कि आपका DSSSB का नेचुरल साइंस है, एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे उसके साइंस के, जितने भी आप MCQs और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी और NCERT बेस्ड जो पूरी थ्योरी है वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, प्लस यहाँ पे MCQs भी अपलोड कर रही हूँ। और क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है फ्रेंड। मैंने कुछ जगहों पे देखा है, कुछ चैनल्स हैं जिनको मैंने ऐसे देखा, तो उससे मुझे पता चला कि मतलब क्वेश्चन जो है वो जो लोग भी लेकर के आ रहे हैं तो लेवल जो है बहुत ही ईजी लेवल जो नहीं चलेगा, ओके। आप लोगों को एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, और क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप लोग जब तक कि अप टू द मार्क एक प्रिपरेशन नहीं करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और उससे कम में तो आपका काम नहीं चल पाएगा, ओके। तो चलिए, अभी जस्ट नवोदय के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, जिसमें कि जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट है इंटरव्यू की और रिटन एग्ज़ाम की वो आउट कर दी गई है। तो जिन्होंने भी भरा हुआ था और जो भी रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो लोग उसकी नवोदय की वेबसाइट पर जा करके उसको चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए, आज मैं जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो 28 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें जो ई है वो क्या है, वो अर्थ है, और एस जो है वो सन के लिए कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है, द अर्थ ई मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एस एट वन ऑफ द फोकाई एज शोन इन द फिगर, कि जो अर्थ ई है, अर्थ के लिए ई कहा गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है और जो सन है वो उसके एक फोकस पे है, एक फोकाई पर है। द स्पीड ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट, तो अब जो स्पीड ऑफ द मोशन होगी, गति जो है उसकी जो स्पीड होगी वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी ये बताना है हमको। तो यहाँ पे जो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। जो डी पर है ये मोशन जो है मैक्सिमम होगा, तो ये यहाँ पे आपको याद रख लेना है। चलिए, 29th हम लोग देख लेते हैं। 29th हमारे पास क्या है, 29th में है कि इफ़ मास ऑफ अ सैटेलाइट इज़ डबल्ड, सैटेलाइट का मास अगर डबल कर दिया जाए, एंड टाइम पीरियड रिमेंस कांस्टेंट, और टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखा जाए, तो जो रेशियो होगा ऑर्बिटल एरिया का इन द टू केसेस विल बी, दोनों केसेस में जो भी ऑर्बिटल एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1:2, 2 है, 1:1, 3 है, 1:3, एंड 4 है, नन ऑफ दीज। तो 29 का यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा, यानी 29 का 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मास जो है वो डबल कर दिया जाए और टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखा जाए, तो चूँकि जो टाइम पीरियड है वो मासेस पर डिपेंड ही नहीं करता है, जो जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 ही रहेगा, ओके। नाउ, चूँकि हमारे पास वो जो आपको रेशियो पता है R³/T² या जिसको हम लोग कहते हैं T² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, ऐसे करके जो आपका जो केपलर्स लॉ में जो रेशियो था वो सब आप लोगों को पता है, तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोलर सिस्टम में विच इज़ कंजर्व्ड, क्या कंजर्व रहता है, वन टोटल एनर्जी, टू पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, थ्री एंगुलर वेलोसिटी, फोर लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में जो चीज़ कंजर्व रहती है वो है टोटल एनर्जी, ओके। टोटल एनर्जी जो है सोलर सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहती है, और ये कहा जाता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। एनर्जी का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है।
अब यहाँ पे हमारे पास 31 है। इफ़ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी। ये कहा जा रहा है कि जो अर्थ है ये जो अर्थ है हमारी, और इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रेजेंट डिस्टेंस की 1/4 डिस्टेंस पे होती सन से, ठीक है, अभी जिस टाइम जो भी सन से इसकी डिस्टेंस है, दूरी है अर्थ की, अगर इससे 1/4 पर होती तो जो ड्यूरेशन ऑफ ईयर होता वो कितना हो जाएगा। ओके, तो कितना ड्यूरेशन ऑफ ईयर हो जाता, तो 1 है हमारे पास हाफ द प्रेजेंट ईयर, 2 1/8 द प्रेजेंट ईयर, एंड 3 1/4 द प्रेजेंट ईयर, एंड 4 है 1/6 द प्रेजेंट ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए, हमें जो रेशियो है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो हमें पता होता है क्या होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो टी डैश हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, जो चेंज होगा, तो टी वन टी टू से भी कर सकते हैं, टी वन टी टू वाला भी सही है, टी डैश और टी वाला भी करेक्ट है। तो टी डैश यानी जो बाद में चेंज होकर के हो जाएगा, और अपॉन टी, और इसका जो स्क्वायर अगर हम करेंगे, ओके, चूंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहा गया है कि 1/4 हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4 का ये क्या है, डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो ये क्यूब में चला जाएगा, क्योंकि रेशियो में भी हमारे जो रिलेशन है उसमें भी हम लोग आर क्यूब लेते हैं, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट टी डैश पता चल जाएगा। तो टी डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 आर हो जाएगा, सॉरी 1/8 टी हो जाएगा। ओके, एक मिनट, यहाँ पे गलती से मैंने आर लिख दिया, 1/8 टी हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे नाउ टी, तो जो अब यहाँ पे हो जाएगा वो हमारे पास 1/8 हो गया है, और जो करेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा 31 का, वो इस तरीके से 2 हो जाएगा, यानी 1/8 दी प्रेजेंट ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 में है, दी लाइन दैट जॉइंस एनी प्लानट टू दी सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ये कहा जा रहा है कि जो लाइन जो प्लैनेट को, किसी भी प्लैनेट को सन से ज्वाइन करती है, वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, यानी जो भी इसका टाइम है इक्वल टाइम में, वो इक्वल एरिया को कवर करती है, क्या ये सही है। ओके, अब आगे देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, सेकंड पॉइंट है, द लॉ ऑफ एरियाज कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द प्लैनेट्स अपीयर टू मूव स्लोअर when they are farther from the sun than when they are nearer। okay, तो जो लॉ ऑफ एरिया है, यानी केप्लर्स का जो लॉ भी है, तो वो लॉ भी आपको पता होगा, अभी तो हमने जो अभी किया, जो टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये भी एक लॉ ही था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो लॉ ऑफ एरिया है उसका, वो कहाँ से आता है, वो क्या इस ऑब्जर्वेशन पर आता है कि जो भी प्लैनेट सन से नियरर होगा, जो भी प्लैनेट सन से नियरर होगा, और जो प्लैनेट जो है सन से दूर होगा, तो अब होगा क्या, ये कह रहे हैं कि प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर, कि जो सन से दूर होंगे वो स्लोअर अपीयर होते हैं, कि वो धीमे गति कर रहे हैं, और जो सन के पास होते हैं क्या उनकी गति तेज़ रहती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो अब आगे स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलो अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें 32 के लिए, तो 32 का हमारे पास जो 1 और 2 दोनों है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट वो हमारे करेक्ट हैं। नाउ 33 देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद मीन रेडियस 9.3×10^7 मीटर इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये कहा जा रहा है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और इसकी जो मीन रेडियस है वो 9.3×10^7 मीटर है, और जो पीरियड है इसका ये 1 ईयर है। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, अब हमें ये अज्यूम करना है कि कोई बाहरी प्रभाव इस पर नहीं है। ओके, नाउ अब क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, द अर्थ काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, 2 द अर्थ एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, की एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और 3 है अर्थ पोटेंशियल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, की अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और 4 है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का वो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए जो 33 के लिए करेक्ट होगा ये 2 होगा कि जो अर्थ की एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके फ्रेंड, देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो ग्रेविटेशन का मैंने जो थ्योरी कंसेप्ट क्लियर किया था इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी है, ये भी मैं करा रही हूँ, इसके पहले वाले जो 27 तक हुए हैं वो भी आपको देखना है, जिन्होंने नहीं देखा है उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो दोबारा देखना चाहते हैं वो रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे आगे 33 के बाद बढ़ जाती हूँ। 33 के बाद हमारे पास 34 है, इसमें है अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स टुवर्ड्स अ पॉइंट। एक जो बॉडी है, ठीक है, वो एक फोर्स के द्वारा, एक बल के द्वारा एक पॉइंट की तरफ जो है वो मूव की जा रही है या फिर एक्ट किया जा रहा है उस पर जो एक फोर्स है एक पॉइंट की तरफ। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस अगर हम लोग मान ले डी है तो कह रहे हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके द पाथ ऑफ बॉडी विल बी, तो अब इस केस में जो बॉडी का पाथ होगा वो कैसा बन जाएगा। एलिप्स 2 है हाइपरबोला, 3 सर्किल एंड 4 है पैराबोला। तो देखिए यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि एलिप्स हो जाएगा। और आपको पता है जो अर्थ है, यानी जो हम लोग केपलर्स लॉ में पढ़ते हैं वो कैसा ऑर्बिट होता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जिसके एक फोकाई पे सन होता है और वो जो है सेम एरिया जो होता है वो रेगुलर टाइम इंटरवल में सेम एरिया वो स्वीप करता है। चलिए अब यहाँ पे 35 देख लेते हैं। 35 में है हमारे पास द ऑर्बिट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर इज 1 ग्रेटर दैन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, 2 लेस दैन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ, 3 इक्वल टू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ एंड 4 है 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो जुपिटर की ऑर्बिटल स्पीड होती है वो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है। ओके नाउ सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 36 क्या है, द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी। कह रहे हैं कि जो एक सैटेलाइट है उसका एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो पीरियड है वो टी है और जो रेडियस है वो आर है। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर इज, तो फिर एक दूसरे सैटेलाइट का एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस 4 आर है उसमें क्या पीरियड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड देख लेना है, 1 है 4t, 2 है 2/4, 3 है 8t एंड 4 है t/8। तो 36 का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कैसे आएगा, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे कर लेते हैं हम लोग, t1/t2 से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके तो चलिए t1/t2 ओके इज इक्वल टू यहाँ पे r1/r2 कर लेते हैं। तो r1/r2 करेंगे और चूंकि ये t1 स्क्वायर्स वाला रिलेशन मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा ये वही वाला रिलेशन है लेकिन इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ, r³ ऐसे वाला रिलेशन है ना। तो अब यहाँ पे t1/t2 को जब डायरेक्ट करेंगे फ्रेंड तो ये r1/r2 और उसके बाद जो पावर वगैरह हम लोग लगा लेंगे एडजस्ट कर लेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। ओके तो अब यहाँ पे 3/2 हो जाएगी तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r/4r लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। ओके इतना हो गया। नाउ अब t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब t2 यहाँ से जब आएगा t2 इज इक्वल टू 8t1 होगा, यानी जो t2 होगा अब जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 8 टाइम होगा, 8 गुना हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 36 का यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नाउ 37 देख लेते हैं। 37 है द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम सन आर नियरली 10^13 एंड 10^12 मीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं नेपच्यून की जो सन से डिस्टेंस है वो 10^13 है और जो सैटर्न की सन से डिस्टेंस है वो 10^12 मीटर है। एज्यूमिंग दैट दे मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, और ये एज्यूम करना है, मानना है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। देयर पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन द रेशियो, तो उनका पीरियोडिक टाइम का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए √10, फिर 2 है 100, 3 है 10√10 एंड 4 है 1/√10। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा 37 जो हमारे पास 37 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, t1/t2 ऐसे ही हम लोग कर लेंगे जैसे पहले हम लोगों ने किया था, r1/r2 और पावर एडजस्ट करने के बाद 3/2 यहाँ पे लिख देंगे। ये डायरेक्ट आप लोग इसको भी लर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो डायरेक्ट रेडियस रेडियस लिख देंगे वो 10^13 अपॉन
10^12 लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग पावर लगा देंगे। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आ रही है DSSB में। तो अगर DSSB के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और वैसे भी आप लोग जब जनरल किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक एबिलिटी के लिए प्रिपरेशन करते ही रहते हैं, तो 10√10 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? 10√10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब हमने इसको जो 10^12 से 10^13 को जब कट किया है तो सिर्फ हमारे पास 1000 ही बचेगा। ओके, 12th, और उसके बाद फिर क्या होगा, जब 1000 बचेगा और यहाँ पे जो पूरी होल की पावर आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी, देन इसको हम लोग 10√10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3rd, यानी 10√10 हो जाएगा। ओके, तो अब जो पीरियडिक टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, किस रेशियो में होगा, वो 10√10 हो जाएगा। 38 देख लेते हैं, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इन जनरल। फिर 1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, 2 एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, 3 रेडियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, 4 एरियल वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है या उसके अंडर में है, तो अब यहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए, जो 38 का हमारे पास ये जो 4 है यानी जो उसकी एरियल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, बाकी जो है वो गलत है, रॉन्ग है, इस ऑप्शन के लिए चेंज होगा, लेकिन जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। 39 देख लेते हैं हमारे पास, नाउ 39 है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑन इट ड्यू टू अर्थ, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, किस पार्टिकल पे लग रहा है, तो अब उसकी वजह से क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे, तो वो क्या करना है, अब यहाँ पे वो किसके प्रोपोर्शनल होती है वो बताना है। 1 मास ऑफ द पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगी, 2 डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फिर 3 है स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड 4 नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 39 है फ्रेंड, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी मास ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल पार्टिकल का जो मास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज सेम एज। कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वो किसके बराबर होता है। 1 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट द पॉइंट, फिर 2 है हमारे पास द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, फिर 3 है द टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड 4 है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 1 हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की उसके बराबर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो किसी भी यूनिट मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पार्टिकल की उसके बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम को मैच करना है यहाँ पे। नाउ कॉलम 1 कॉलम 2, 1 ए है मास, बी है वेट, एंड सी है न्यूटन। फिर यहाँ पे 1 में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, 2 है फोर्स विच क्रिएट्स एक्सेलरेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन 1 kg मास, एंड 3rd है हमारे पास कंटेंट ऑफ बॉडी विच मेजर इनर्शिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 के लिए ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो मास है वो क्या होगा। ओके, मास के लिए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 41 क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स आपके पास दिए हुए हैं। देन अब यहाँ पे अगर हम लोग मास की बात करें तो मास के लिए फ्रेंड देखिए हमारे पास जो 3rd ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ये क्या होता है, कंटेंट ऑफ बॉडी विच मेजर्स इनर्शिया, ठीक है, यानी कंटेंट ऑफ बॉडी विच मेजर्स इनर्शिया। तो देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वेट है उसके लिए देखते हैं, वेट क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है, यानी कि अर्थ का जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो अट्रैक्ट करता है जिस फोर्स से किसी भी मास m की वस्तु को या बॉडी को, ठीक है, वो वेट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो न्यूटन है वो क्या है, न्यूटन है फोर्स विच क्रिएट्स एक्सेलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 m/s² ऑन 1 kg मास, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा न्यूटन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 312। ओके, 312 हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो रहा है। नाउ 42 हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में फ्री फॉल ऑफ, कोई भी फ्री फॉल है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इज अ केस ऑफ मोशन विद, वो मोशन का जो केस है वो किसके साथ अब इसके लिए करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इज अ केस ऑफ मोशन विद, तो 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन होगा उसमें। फिर दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में। फिर थर्ड है वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। फिर 4 है कॉन्स्टेंट मोमेंटम होगा। तो 42 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ फ्री फॉल के बारे में फ्रेंड बता चुके हैं, जो थ्योरी बताई थी वहाँ पे बताया हुआ था। देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट वो अर्थ की तरफ गिरता है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए गिरता है, मीन्स वहाँ पे सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है, उसी के अंडर में वो ऑब्जेक्ट गिरता है, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्री फॉलिंग कहते हैं। ये कह रहे हैं, ये कहा जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम के में भी बता दिया है जो इसकी जो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट वैक्यूम में है। तो अब जो मोशन होता है इस केस में फ्री फॉलिंग में, वो फ्री फॉल मोशन कहलाता है। तो देखिए, अब कोई भी बॉडी होती है जब भी वो फ्री फॉल करती है तो उसमें एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण, जो जो कि हमारी अर्थ का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस तो आप लोगों को पता ही है कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर जब भी फ्री फॉल होगा तो उसमें सब में जी जी लग जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, जब फ्री फॉल होगा तो मोशन क्या हो जाएंगे, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, और यहाँ पे एच इज इक्वल टू हाइट आ जाएगी अब एस की जगह पे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएंगे क्योंकि a है, अगर हम लोग नॉर्मल इसको जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन देखते तो फिर यहाँ पे g को a से रिप्लेस कर सकते थे। अब यहाँ पे h क्या होती है, वो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की जहाँ से वो गिर रहा होता है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। ओके, तो नाउ अब आपको पता है कि हम लोग पॉजिटिव कब लेते हैं, जब ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा होता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, जब उसको ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे खड़े होकर के या कहीं से भी हम लोग उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हम लोग जी की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। ओके, फ्री फॉल जब ऑब्जेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है, किसी भी हाइट से जब ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो फिर वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो यू होती है उसको ज़ीरो कर लिया जाता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है ओके, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, यानी जो वी होती है तब फेंकने के केस में, ऊपर फेंकने के केस में जो वी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो 42 है उसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 42 का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेक्ट है। नाउ 43 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इनक्लाइंड प्लेन। ओके, एक ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस यानी कि फ्रिक्शन नहीं है ये कहा गया है, और ये इनक्लाइंड प्लेन है तो इस पर जो है क्या करता है, गिरता है। ओके, यहाँ से स्लाइड करना, मान लीजिए अगर बॉल जैसा कोई ऑब्जेक्ट है तो स्लाइड करता है, या कोई भी चीज़ रखी गई है तो उस पर से स्लाइड कर रही है। एंड फ्रॉम सेम हाइट अनदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली। अब सपोज यहीं से इसी हाइट से, ये जो हाइट दे रखी है यहाँ तक की, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है तो ये यहाँ से फ्री फॉल करने लगती है। एक स्लाइड करके ज़मीन पे पहुँच रही है, ग्राउंड पे पहुँच रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, और एक जो है वो डायरेक्ट फेंकी, मतलब वहाँ से छोड़ दी गई है ऐसे, और वो नीचे पहुँच रही है ग्राउंड पे। तो अब देखिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, 1 बोथ विल रीच द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से पहुँचेंगे ग्राउंड पे। 2 बोथ विल रीच विथ सेम एक्सेलरेशन, दोनों सेम एक्सेलरेशन से पहुँचेंगे, त्वरण दोनों का समान होगा। और तीसरा है बोथ विल रीच इन सेम टाइम, कि दोनों ही
सेम टाइम में पहुंचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 43 के लिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1। यानी कि 43 के लिए जो 1 है कि दोनों ही सेम स्पीड से पहुँचेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब यहाँ पे 44 देख लेते हैं फ्रेंड। 44 हमारे पास क्या है, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड। अब यहाँ पे देखिए स्टोन जो है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, और स्पीड क्या है यू, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, एक टॉवर के टॉप से, ठीक है, रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 3u, और वो ग्राउंड पे 3u की वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी की 3 गुना वेलोसिटी से, ठीक है, वो ग्राउंड पे पहुंचता है। तो द हाइट ऑफ द टावर इज, तो इस केस में जो हाइट है टावर की वो कितनी होगी, तो टावर की हाइट हमें कैसे पता चलेगी, हमारे पास इक्वेशंस हैं उससे हम लोग निकाल लेंगे। नाउ कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से निकालेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हमारे पास अब वी स्क्वायर यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 3u। ओके, तो 3u स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास h आ सकता है, तो h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन g। इतना पता चल गया हमारे पास कि h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर अपॉन g, और यही पूछा है, तो यहाँ से हम लोग करेक्ट ऑप्शन ये निकाल सकते हैं, यानी कि 4u स्क्वायर अपॉन g बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच करने के लिए, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँ इसको। तो यहाँ पे ए है ऑब्जेक्ट्स गोइंग अपवर्ड, बी ऑब्जेक्ट्स गोइंग डाउनवर्ड, सी ऑब्जेक्ट्स एट द टॉप ऑफ द टावर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कई पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉलम 1 में है 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वी इज इक्वल टू यू प्लस gt, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं यहाँ पे। चलिए अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 45, इसके लिए जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 45 के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहले मैच करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, वी स्क्वायर यानी कि एक उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको मेन क्या करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन या जो जी होगा वो नीचे से ऊपर फेंकने पे क्या होगा, माइनस का कंसीडर किया जाएगा। ओके, क्योंकि ये फ्री फॉल नहीं हो रहा है, फ्री फॉल तो तब होगा जब आप किसी भी चीज़ को, किसी स्टोन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, अर्थ की तरफ छोड़ रहे हो, ओके, कहीं पे हाइट पे जा करके, किसी टावर पे चढ़ करके, किसी बिल्डिंग पे चढ़ करके, या किसी भी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो प्लस की वैल्यू हो जाती। अब नाउ अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट गोइंग डाउनवर्ड। अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है बिल्कुल, अब ये फ्री फॉल में है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही हो जाएगा कि बी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये देखिए। नाउ अब सी वाला हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ द टावर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो टावर के टॉप पर है, ओके, तो यहाँ पे जब टॉप पर है तो जो आपकी जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें ज़ीरो हो जाएगा उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा, ओके, तो ज़ीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है इसकी जो वैल्यू जो ज़ीरो हो रही है, ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगी, ओके, और ये हम लोग किस केस में करते थे, ये हमारे पास जो एक इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो वी स्क्वायर है वो ज़ीरो हो गई, लेकिन हमें बताना यहाँ पे क्या है एक और बात कि यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो निगेटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो टावर के टॉप पर है। तो चलिए हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब यहाँ पे मैं मैचिंग कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ए की 2 से हो जाएगी, बी की 3 से हो जाएगी, एंड सी की हमारे पास 1 से हो जाएगी, और 1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 1, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नाउ 46 देख लेते हैं हमारे पास, 46 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 46 में हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, अ 5 meters per second अ स्टोन इज थ्रोन अप एट 10 meters per second रिलेटिव टू द बलून, ओके, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आफ्टर 2 seconds इज। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है,
एक बलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है वो बलून, और स्पीड क्या है, ओके, एक और जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, उस स्पीड से वो जा रहा है राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। और ये कहा जा रहा है कि एक स्टोन वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, वो फेंका जा रहा है, ओके, स्टोन इज थ्रोन अप, ऊपर की तरफ फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिलेटिव टू द बलून। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो आपको बतानी है, और कब बतानी है, 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड इज, तो क्या वेलोसिटी होगी उसकी, उस स्टोन की। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे जो 46 समझ, अब ये समझते हैं कि जो बलून की इनिशियल वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो देखते हैं। तो जो बलून की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो v इज़ इक्वल टू आपकी 10 होगी पहली बात, तो और रिलेटिव वेलोसिटी है तो 10 + 5 जुड़ जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ओके। नाउ अब 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, v इज़ इक्वल टू यू माइनस जी टी, इस फॉर्मूले में हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पे जो u है, अब वेलोसिटी आप लोगों ने निकाल लिया, 15 माइनस जी तो की वैल्यू 10 ले लिया है, एंड टाइम हमारे पास 2 दे रखा है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो -5 मीटर पर सेकेंड आएगी, मीटर पर सेकेंड, ओके, -5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद, ये यहाँ पे हमारे पास है, माइनस प्लस कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। तो 47 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 को देख लेते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 80 फीट पर सेकेंड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 80 फीट पर सेकेंड है। दी बॉल विल बी एट अ हाइट ऑफ 96 फीट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर, अब कह रहे हैं वो जो बॉल है वो 96 फीट की हाइट पर होगी ग्राउंड से कितनी देर के बाद, ओके, तो वो आपको बताना है। नाउ अब ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कौन सा लगेगा, h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू यू टी माइनस आपका होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ओके, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, u की जो वैल्यू होगी वो 80 फीट पर सेकेंड दे रखी है आपके पास, ओके, नाउ 80 फीट पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है अगर इसके इक्वल करेंगे तो, ओके, तो अब यहाँ से हमको एक और, अब जो है आगे ये सारी जो वैल्यूज हमको मिल गई हैं उनको इक्वेशन में पुट करनी है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको आगे बता दे रही हूँ आपको कैसे करना है। 96 इज इक्वल टू 80 टी, क्योंकि 96 इज इक्वल टू 80 टी, अब यहाँ पे 80 मैंने क्या लिखा है, 80 मैंने लिखा है यहाँ पे u की वैल्यू, और t तो आपके पास t है ही माइनस, अब यहाँ पे आपको 32 अपॉन 2 कर दिया है, देन t स्क्वायर, 32 अपॉन t क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाफ जी टी स्क्वायर था तो इसको हमने सॉल्व करके जो है वो 32 अपॉन 2 लिख दिया, और या फिर हम इसको हाफ इंटू 32 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने हाफ को इसी के साथ मिला दिया है तो 32 अपॉन 2 हो गया, देन टी स्क्वायर हो गया। नाउ अब यहाँ पे जो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो अब आगे देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ टी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 वाला हो जाएगा, यानी कि 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48 देखते हैं, अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स एरिया A1 इन 2 डेज, A2 इन 3 डेज एंड A3 इन 6 डेज, देन द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3 इज,
तो देखिए, एक प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, और जो एरिया 2 दिन में कवर करता है वो A1 है, और A2 एरिया वो 3 डेज में कवर करता है, एंड A3 एरिया वो 6 डेज में कवर करता है। ओके, ये देख लीजिए, A1 है, ये A2 है, और ये फिर हम ये A1, ये A2, और ये हमारे पास A3 है। तो अब ये रिलेशन पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा रिलेशन वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो 48 होगा वो कैसे निकाला जाएगा। देखिए, होता क्या है, जब प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो जो इसकी एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो एरियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। हम पहले भी इस क्वेश्चन को पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2 इज इक्वल टू A3 अपॉन T3। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास A1 अपॉन 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन 3 इज इक्वल टू A3 अपॉन 6। ओके, ये हो जाएगा। देन यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, यहाँ से हमारे पास रिलेशन होगा 3A1 इज इक्वल टू 2A2 इज इक्वल टू A3 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 3A1 इज इक्वल टू 2A2 इज इक्वल टू A3। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ये पहला जो ऑप्शन है 3A1 इज इक्वल टू 2A2 इज इक्वल टू A3, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देख लेना है। तो कह रहे हैं, एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन अबव द अर्थ एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। एक एस्ट्रोनॉट जो है वो वेटलेसनेस यानी कि भारहीनता जो वो एक्सपीरियंस करता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है, ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर यानी अर्थ के अबव एक स्पेस स्टेशन है उसमें। ओके, तो एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन, वो जो है स्पेस स्टेशन के अंदर है, और इस केस में उसको वेटलेसनेस फील होती है, वो अनुभव करता है। नाउ 2 क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। फिर कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में है और फ्री फॉल की स्टेट में रहता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, 49 जो है हमारे पास, इस केस में बोथ 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट होगा, यानी जो पहला वाला है वेटलेसनेस वाला कि एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस फील होगी, ये भी सही है, और यहाँ पे फ्री फॉल वाला जो केस है वो भी करेक्ट है। 50 देख लेते हैं, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। एक स्टोन को किसी टावर के टॉप से फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, और वो ग्राउंड को 4 सेकेंड में टच करता है। द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, अब यहाँ पे इस केस में आपको टावर की हाइट बतानी है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला रखना है, h इज इक्वल टू 1/2 gt2। ओके, बस ये रखेंगे आपको, यहाँ पे u का काम नहीं है। नाउ यहाँ पे हमारे पास 1/2 × 10 × 4² हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इस केस में 4 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है यूटी क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यू 0 है इस केस में। तो अब यहाँ पे चलिए, अब आगे जो है हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 80 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 51 हमारे पास है, 2 बॉडीज़ आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, 2 बॉडीज़ हैं वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दी गई हैं, तो इनकी जो इनिशियल स्पीड है उसका रेशियो है 2:3, और जो इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो है, ठीक है, वो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स रीच्ड बाय देम एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम टू रिटर्न बैक, और जो उनको ग्राउंड पे वापस आने में, ठीक है, ग्राउंड को तक वापस आने में जो उनको टाइम लगेगा और उनकी जो मैक्सिमम हाइट है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो बताना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है, v इज इक्वल टू u माइनस gt से। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये मैक्सिमम हाइट पर होगा। ओके, मैक्सिमम हाइट पर। अब यहाँ पे जो यहाँ से टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी हो जाएगा और एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी होगा। ये आप लोग याद करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये होता है। नाउ टी वन अपॉन टी टू यहाँ पे करना है, क्या हो जाएगा, टू अपॉन थ्री हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एच वन अपॉन एच टू क्या हो जाएगा, एच वन अपॉन एच टू। अब इस केस में यहाँ पे टू का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ओके, टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री हम लोग कर चुके थे। नाउ एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा फोर अपॉन नाइन आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, फोर अपॉन नाइन एंड टू इज टू थ्री। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो वन वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 52 है हमारे पास। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 meters। एक बॉल है उसको फ्लोर पे ड्रॉप किया गया है और जहाँ से ड्रॉप किया गया है उस प्लेस जो उसकी हाइट है उस प्लेस की वो है 10 meters, यानी कि 10 meters की हाइट से उस बॉल को फ्लोर पे ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 meters। और क्या होता है, सपोज टेनिस बॉल है तो वो आप जब ज़मीन पे ऐसे छोड़ते हो तो ऊपर की तरफ उछलती है तो रीबाउंड करती है, या कोई भी रबड़ बॉल है या ऐसे भी नॉर्मल कोई बॉल होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर उछलती ही है, ठीक है। तो सपोज ये कोई रबड़ बॉल है तो ये 2.5 meters की हाइट तक ऊपर भी उछल जाती है। नाउ इट इफ़ द बॉल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 seconds, अगर बॉल फ्लोर के कॉन्टैक्ट में सिर्फ 0.01 सेकंड तक रही हो, देन द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इज, तब जो एवरेज एक्सेलरेशन है जितनी देर वो कॉन्टैक्ट में रही वो बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे देखते हैं जो 42 है उसको कैसे किया जाएगा। तो नाउ जो वेलोसिटी होगी जिस टाइम पर वो फ्लोर पे स्ट्राइक करेगी बॉल, तो वो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। नाउ यू इज इक्वल टू रूट टू जी एच वन इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट फिर टू और जी की जगह 9.8 × 10, तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 meters per second आएगा। ओके, आप लोग भी करके देख लीजिए यहाँ पे। अब जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, जिससे जो है वो बॉल रीबाउंड करेगी, तो स्ट्राइकिंग की हमने निकाली 14 meters per second square, अब रीबाउंड की निकालते हैं। तो रीबाउंड के लिए v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच टू हो गई, ठीक है, ये रीबाउंड की है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रीबाउंड की है। यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके कर लेते हैं। नाउ अंडर रूट 2 × 9.8 × 2.5 = 7 meters per second। ओके, इतनी हो गई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन अब मैं आगे चेंज इन वेलोसिटी बता दूंगी, तो यहाँ पे बैक करना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हो जाएगी, नाउ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा वी करेंगे। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगी, 7 जो कि अभी आई है रीबाउंड की वेलोसिटी, उसमें से हम लोग जो पहले स्ट्राइकिंग वेलोसिटी थी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 21 meters per second आ जाएगा। ओके, नाउ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ए है इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम या चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई है, 21, और टाइम जो हमें मिला है वो क्या है, 0.01, क्योंकि यही पूछा गया है। अब यहाँ पे 2100 meters per second square यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड आ गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2100 meters per second square अपवर्ड। नाउ 53 देखते हैं,
53 हमारे पास क्या है? अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट एच, एक बॉल है वो हाइट एच से गिरती है। आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल्स फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट बॉल फॉल्स। अब ये कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के बाद एक दूसरी बॉल गिरती है और वो उस पॉइंट से गिरती है जो कि पहली वाली बॉल जहाँ पे गिरी थी उससे 20 मीटर नीचे है। ओके, तो वहाँ से एक और बॉल गिरती है। सपोज़ कि आपके पास दो बिल्डिंग है, ठीक है, एक बॉल जो है वो जो गिर रही है हाइट एच से एक बिल्डिंग से, उसके बाद बिल्डिंग से जब वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पे जो है एक दूसरी बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर के नीचे पे है। ओके, वहाँ पे पहली वाली बॉल गिर जाती है, अब दूसरी बॉल कह रहे हैं उसके बिलो यानी 20 मीटर की जो हाइट है वहाँ से एक दूसरी बॉल को क्या करते हैं, फेंकते हैं या गिरती है, तो फ्रीली फॉल हो रहा है। ओके, तो बोथ ऑफ देम रीचेज द ग्राउंड एट सेम टाइम। तो अब कह रहे हैं कि दोनों जो है वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, अब हाइट क्या है? नाउ वैल्यू ऑफ एच यहाँ पे बतानी है, क्योंकि जो पहला वाला क्या है ये कहा गया है जो पहली वाली बॉल है वो एक हाइट एच से गिरती है, लेकिन वो हाइट नहीं पता है। नाउ यहाँ पे हम लोग 53 कैसे कर लेंगे? सपोज़ अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, सपोज़ यहाँ पे जब भी मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर देती हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, अब एक पॉइंट बी है। ओके, तो पहले जो बॉल गिरी है वो ए पॉइंट से गिरी है, ये हाइट कितनी है, एच है। अब जो दूसरी बॉल है वो बी पॉइंट से गिर रही है और ए टू बी की जो डिस्टेंस है वही तो बताई गई है कि वो कितनी है, 20 मीटर है। तो अब जो बी से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, वो एच माइनस 20 ही तो होगी। ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यानी टोटल जो हाइट है उसमें से जब हम लोग 20 मीटर माइनस कर देंगे वही हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमको बताना है जो सेकेंड बॉल है उसके लिए, तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको बैक करना पड़ेगा। तो नाउ अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड बॉल के लिए, एच माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ जी फिर टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, और जो पहली वाली के लिए है, पहली वाली के लिए तो वही एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी पहली वाली के लिए। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इक्वेशन 2 जो हमारे पास ये वाली है एच माइनस 20 वाली, ये इक्वेशन 2 है और जो पहली वाली है ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशंस में से जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो हमारे पास एक जो इक्वेशन आएगी या जो हमारे पास आएगा जो वैल्यू कैसे आएगा, 20 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10 टी। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हाइट जो हमारे पास एच आएगी इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 25 जो 2.5 है फ्रेंड, तो 25 लिख दिया, 2.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 31.2 मीटर हो जाएगी। तो अब यहाँ से आपको जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो 31.2 मीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 54, रीज़न ऑफ वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट इज, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों हम लोग सैटेलाइट में वेटलेसनेस फील करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल 3 वाला हो जाएगा, जीरो रिएक्शन फोर्स होता है। ओके, जीरो रिएक्शन फोर्स बाई सैटेलाइट सर्फेस, सैटेलाइट सर्फेस के द्वारा जीरो रिएक्शन फोर्स होता है, इसीलिए वेटलेसनेस फील होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कर लेंगे जल्दी से। इफ अ पेंडुलम फॉल्स फ्रीली, अगर कोई पेंडुलम फ्रीली फॉल करता है, इट्स टाइम पीरियड बिकम्स इन्फिनिटी, तो इसका टाइम पीरियड अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड वाला, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, और जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसका जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो जी के बराबर होता है। तो इसमें से अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 55, अब इसका जो स्टेटमेंट यहाँ पे अभी जैसे रीड किया दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर
करेक्ट. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग. कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो उस मास पे, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. ओके, उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है. तो कैसा है? ओके, टू क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वान्टिटी. कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो एक कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वान्टिटी है. तो अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिर्फ वन वाला है, ओनली वन, वो बिल्कुल करेक्ट है. जो ये वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ये जो बॉडी है मास एम की, या कोई जो बॉडी इसका मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है. चलिए नेक्स्ट. और फ्रेंड, इस तरीके के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों को बहुत चीज़ें इससे याद हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. ओके, 56 तक हमारा पास आज हो गया है फ्रेंड. और आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ. और अभी आगे भी हमारे पास ग्रेविटेशन से क्वेश्चन होंगे, तो होपफुली सब कुछ क्लियर हो जाएगा. थ्योरी तो पढ़ा चुकी हूँ, हो गया है, एंड एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो गए हैं दे दूँगी मैं आपको, कि ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी चैप्टर में है आपका, मैंने पढ़ाया भी हुआ है. तो अब थ्रस्ट है ये सारी चीज़ें. तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, और तैयारी करते रहिए. थैंक यू सो